बारिश का नाम लिया, स्नोफॉल, हल्का हल्का स्नोफॉल चालू हो गया है। अड़क रही है बाइक। जय माता दी, जय माता दी। दिस इज लाइव गाइस, दिस इज लाइव। ये देखो पूरा ब्लैक आइस है। ऐसा एडवेंचर मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं किया था। आपका ट्रैवलर पहुंच गया वरीला पास पे। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंदूर। तो आज से 4 दिन के लिए नो शेविंग, नो नहाना, यही चेहरा आप लोगों को देखना है अगले 4 दिन के लिए। तो आज का डेस्टिनेशन है पैंगोंग लेक, जो 3 इडियट्स में आपने लास्ट शॉट देखा है वहाँ। बट एक खास चीज़ होने वाली है, वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक स्लोक रिवर से जाता है जो कि एकदम सुपर रास्ता है, और एक रास्ता जाता है वरीला पास और चांगला पास कवर करके पूरा ऑफ रोडिंग। तो हमने चूज़ किया है, हम सारे राइडर्स ने चूज़ किया है वरीला पास और चांगला पास का रोड, क्योंकि यार राइडर्स है कुछ तो अलग होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, इसके लिए वो रूट चूज़ किया है। तो डिफरेंस रहेगा, अगर नीचे से जाते थे स्लोक रिवर से जाते थे तो सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग, और अगर अभी चांगला रोड लेके जा रहे हैं, चांगला पास रोड लेके जा रहे हैं, तो कम से कम 100 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग। तो बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है, लेकिन ऊपर से जो व्यू रहेगा ना बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो वी आर ऑल सेट टू हिट द रोड। मज़ा आ रहा है, अभी ठंडी और बढ़ते जाएगी, कल रात को भी बहुत तेज़ बारिश गिरी थी, बट ऑसम। अभी कैसे मतलब मैं, अभी असली चैलेंज है, अभी बॉडी 20 तारीख से निकला मुंबई से, तो अभी बॉडी थोड़ी टायर्ड होते जा रही है और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अभी असली टेस्ट है मेरी और मेरे स्किल्स की, राइडिंग स्किल्स की। बहुत ही प्यारी जगह थी, मिस करूंगा ये जगह को। चलो निकलते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर है टोटल राइड, लेकिन उसको कवर करने के लिए कम से कम मिनिमम 9 से 10 घंटा लगने वाले हैं। उसके बीच में हम लोग स्टॉप भी रहेंगे, तो बढ़िया मजा आने वाला। सो ऑल सेट, हियर वी गो। सबसे पहले भरा जाएगा पेट्रोल, क्योंकि ये पेट्रोल पंप के बाद मतलब बहुत मुश्किल से ही हम लोग को पेट्रोल पंप मिलेगा। हम लोग कैरी भी कर रहे हैं पेट्रोल ड्रम में सब मिलके, और अभी टैंक फुल कर देंगे, क्योंकि उसके बाद पता नहीं पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक सबसे बड़ी चैलेंज, मतलब यार ग्रुप में राइड कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि वाव यार, थैंक गॉड मैं ग्रुप में राइड कर रहा हूँ, क्योंकि कल अपने ग्रुप GoPro का जो मीडिया मोड है वो पूरा डैमेज हो गया, टूट गया, तो इट्स नॉट वर्किंग। तो मैं फुल स्ट्रेस्ड आउट था रात को मुझे पता चला कि मैं बोला यार अभी क्या करूँ, कैसे मैं व्लॉगिंग करूँगा, मोटो व्लॉगिंग करूँगा। फिर सोचा ठीक है सब शूट कर लूँगा, वॉइस ओवर दूंगा, म्यूज़िक दूंगा। फिर उसमें अभिषेक बोला कि नहीं भाई, तेरा चैनल हिट हो रहा है, हिट होना चाहिए, तू मेरा GoPro यूज़ कर, मेरा मीडिया मोड यूज़ कर, सेट हो जाएगा सब कुछ। तो ऑल सेट, मैंने अभी अभिषेक का GoPro लगाया, GoPro 8 है मेरा, 9 है, तो मैंने उसको 9 दे दिया अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऑल सेट, थैंक्स टू अभिषेक, थैंक यू वेरी मच कि उसने इतना सोचा मेरे लिए, बढ़िया है। पहाड़ों पे फ्रेश बर्फ़ हुई है, क्योंकि कल रात को बारिश गिरी है ना, तो पहाड़ों पे तो बारिश गिरती नहीं है ऊपर, और बर्फ़ मस्त एकदम वाइट वाइट दिख रहे पहाड़। और यार मेरे को इतना अमेजिंग लग रहा है, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है और यहाँ पे पूरा रेगिस्तान, सुपर्ब। तो वापस एक बार अपडेट दे देता हूँ, आज का अपना डेस्टिनेशन रहने वाला है पैंगोंग लेक, और आज का रूट रहने वाला है वाया वरीला पास और चांगला पास, मतलब और 2 पास हम लोग कवर करने वाले हैं, मतलब और पहाड़ों में से जाने वाले हैं। स्लोक रिवर के रोड से पैंगोंग लेक का रास्ता बहुत ही सुपर्ब है और इजी है, इसके लिए हम लोग सारे राइडर्स ने ये डिसीजन ली कि यार कुछ एडवेंचर होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग होना चाहिए। तो हम लोग कम से कम 80-90 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी जा रहे हैं, और 100 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग भी तगड़ा रहने वाला है, और ठंड तो भर भर के रहने वाली है। सामने का नज़ारा बहुत ही प्यारा, मतलब आज बारिश के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए खास आपके लिए रुक के, देखो वहाँ पूरा फ्रेश बर्फ़ है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई है, बहुत ही प्यारा।
तो यहाँ पे लिया जाएगा पेट्रोल ब्रेक, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग को पता नहीं पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा। तो डिसाइडेड ऐसे हुआ है कि अगर मिला भी एक पॉइंट भी कम हो गया रहेगा तो अभी मेरा सिर्फ 3 पॉइंट कम हो गया, मेरी बाइक और 320 किलोमीटर चलेगी, तभी भी जहाँ पे भी पेट्रोल मिलेगा फुल कर दिया जाएगा। प्लस हम लोग एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर रहे हैं, वही हम लोग श्लोक रिवर के रोड से जाते थे तो पेट्रोल का कुछ टेंशन नहीं था, बट यार कुछ और करना है यार। तो चलो, यो ब्रो व्हाट्सअप ब्रो ऑल सेट। तो भैया को कार्ड देने के बाद बेचारे को ऊपर पकड़ना पड़ता है नेटवर्क के लिए, नहीं तो स्वाइप नहीं होता है। तो फिलहाल तो ये सेम रूट है जो हम लोग आए थे, और उस दिन हम लोग आए थे तो पूरी ये रिवर सूखी हुई थी, बट कल बारिश गिरी है तो ऊपर से बर्फ का पानी पिघल के अभी आ रहा है, तो प्यारी सी रिवर अपनी वापस बह रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ एक्चुअली सब जन एक्साइटेड भी है ये रूट एक्सप्लोर करने के लिए, और थोड़े नर्वस भी है क्योंकि पहली बार कुछ अलग कर रहे हैं, बट यार करने के बाद जो मज़ा आएगा ना, जो फीलिंग रहेगा ना, वो बहुत तगड़ा रहेगा, तो कर लेंगे यार। कॉन्फिडेंस रखना है सबको, बस खुद जाना है, कर लेना है बस। भैया जो भी हो लेफ्ट में नहीं देखना है, कॉन्सेंट्रेशन राइट पर ही रखना है, क्योंकि लेफ्ट में खाई है और ये रेत आ जाती है ना तो सीरियसली बहुत लिटरली डर लगता है। तो अभी असली चैलेंज शुरू, रास्ता पतला हो गया है, रोड पे मिट्टी भी है, लेफ्ट साइड पे पूरी खाई है, और अभी असली एडवेंचर शुरू होगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, सब जन साथ साथ में ही चलेंगे। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, बढ़िया है। तो भैया ऑफ रोडिंग शुरू। क्या सुपर्ब लग रहा है यार, आजू बाजू में पूरा ओपन लैंड, पीछे पहाड़ और अपने सारे राइडर्स एक लाइन में जा रहे हैं। तो अभी वापस एक पहाड़ की चढ़ाई शुरू, मतलब ना कैसे एक पहाड़ चढ़ते हैं उतरते हैं, उसके बाद प्रॉपर एकदम रास्ता आता है जहाँ पे हम लोग 80-90 पे स्पीड मेंटेन करते हैं, फिर वापस एक पहाड़ आएगा। तो कैसे नवीन भाई ने बोल के रखा है, जब रास्ता मिलेगा अच्छा तभी भाई स्पीड कवर कर लो, क्योंकि पहाड़ों में आपका स्पीड एकदम कम होने वाला है। पिछले आधे घंटे से ये रोड पे, मतलब एकदम पतला रोड है और सिर्फ हम लोग का ही ग्रुप चल रहा है, ना कोई सामने से गाड़ी ओवरटेक की है ना पीछे से, बहुत ही आइसोलेटेड रोड है। बट रोड बढ़िया है फिलहाल, बीच में छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग है, और जैसे अभी पहाड़ों की तरफ और जाते जा रहे हैं ठंडी भी काफ़ी बढ़ते जा रही है यार। सामने वो वाले पहाड़ पे देखिए पूरा क्लाउड कवर है और हम लोग वो पहाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। ठंडी तो अभी बहुत भर भर के है, मेरे को ये ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे, सोलेस के मेरे जो ठंडी और वाटरप्रूफ के ग्लव्स है वो किधर रुकने के बाद पहनने पड़ेंगे। गाय माता सुबह का नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी है तो इसके लिए सब जन यहाँ पे आए घास फूस खाने के लिए, और बाजू में से पानी भी बह रहा है। भाई साहब बारिश का नाम लिया, स्नोफॉल, हल्का हल्का स्नोफॉल चालू हो गया है। हाँ ऊपर धूप है बट यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है। और ऊपर जा रहे हम लोग, तगड़ा स्नोफॉल मिलने वाला है।
भड़क रही है बाइक। ओ तगड़ा वाटर क्रॉसिंग है, बट कर रहा है आपका ट्रैवलर। यस वो वो नजारा देखिए। हाँ, सिर्फ आपके लिए मैं ये रूट ले रहा हूँ। मतलब मेरे पास ऑप्शन था उन लोगों को ना बोल के वो गाड़ी के साथ जाने के लिए, बट आपको इंडिया की खूबसूरती दिखानी थी। स्नोफॉल हो रहा है और हम और ऊपर जा रहे हैं। तो मतलब अभी टेम्परेचर फिलहाल यहाँ पे 1 से 2 रहेगा, क्योंकि पूरा स्नोफॉल नहीं हो रहा है बट काफ़ी है। ये देखिए कोई नहीं है, सिर्फ अपनी सारी बाइक्स जा रही है यहाँ से। रोड देखिए, बाइक्स देखिए जहाँ से जा रही है वो रोड है, बाकी पूरा डेजर्ट एरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। लय भारी है बाबा, लय भारी है। ओ शिट, एक्सी छोड़ा तो बाइक बंद पड़ रही है, मोशन में रखना पड़ेगा मुझे। ओके, ये देखिए पूरा स्नोफॉल। क्या बोल रहे हो, आपका ट्रैवलर आपको एडवेंचर करवा रहा है ना। रुको, ये जरा टर्न मार लेता हूँ। टर्न पे क्लच दबाया, गाड़ी बंद पड़ रही है ठंड के मारे। वो देखो वहां पे धूप है, ऐसे लग रहा है कभी वो धूप में पहुंच रहा हूँ। हा 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 हा, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। आई तो मुलगा करता है यार। हाथ देखिए पूरी वाट लग गई है, और आगे सीने से कि घुटने तक स्नोफॉल है। एक राइडर गया था वो वापस आ गया, तो अभी हम लोग साथ में रुकेंगे, डिसीजन लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पे ऐसी हालत है तो ऊपर तो और स्नोफॉल रहेगा, तो शायद से वापस जाना पड़ेगा नीचे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके क्योंकि एक बाइक वाला यहाँ से आया, जहाँ हम लोग जा रहे उस तरफ से आया, यहाँ से 8 किलोमीटर। वो बोला घुटने तक स्नोफॉल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो घुमा के वो बोला मैंने तो डेयरिंग नहीं की, वो वापस जा रहे हैं। अभी नवीन भाई आएंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। नज़ारा दिखाता हूँ आपको, बहुत मतलब बहुत सुपर्ब है, और बीच में हल्की हल्की स्नोफॉल मिली यार, बहुत प्यारा लग रहा था। फर्स्ट टाइम हल्के हल्के स्नोफॉल में अपना वीर भी जा रहा था, बहुत बहुत सुपर्ब था। तो ये रोड इधर से 8 किलोमीटर पूरा स्नोफॉल है, और ये नज़ारा है। और हम लोग सब इधर रुके, दो फीट की स्नोफॉल है। बट अपन वेट कर रहे हैं अपने कैप्टन का, कैप्टन जो डिसीजन लेगा उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर बोलता चलना है तो चलेंगे, नहीं चलना है तो पीछे हो जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। हाउ द जोश, हाय सर। कौन पराग भाई, वो ऊपर झंडे देख रहे हैं वहां तक, निकल लो, सीधे सीधे निकालो, रुको मत, हो जाएगा। इधर से लो, इसके ऊपर से लो। शाबाश, यस, निकाल लो, अब रुकना मत, सीधे ऊपर निकाल लो। कम ऑन कैसी, या यू आर ऑन द राइट पाथ। यस, नो, शेयर देयर साइकिल, या चलो, ओके, या यू हैव डन। जिंदगी के असली मजे हम ले रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। देखा यार, पूरा ग्रीन ग्रीन हुआ पड़ा है।
अभी और आधा घंटा हम लोग यहाँ पे रुके, पूरा स्नोफॉल है, एक एक बाइक लग रही है, तगड़ा एकदम तगड़ा एडवेंचर है ये। ये देखो पूरा ब्लैक आइस है, इसने भी कर ली। और ये देखिए पूरा ग्रुप जिसने कर लिया है अभी तो और है। This is live, guys! Woo! क्या बात है, पहली ले लद्दाख राइड ब्लैक आइस में। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। आपका ट्रैवलर पहुंच गया वरीला पास पे 17,216 फीट पे। बढ़िया है, सबको वेल डन गाइस। हिप हिप हुर्रे, हुर्रे जो किया है, बढ़िया। चुप चुप बाइक है, उनको हेल्प करने जाना पड़ेगा। क्या बात है, ऐसा एडवेंचर मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं किया था। बहुत बढ़िया, रास्ते पे पूरा स्नो, ये पूरा ब्लैक आइस है। यहाँ हमारी बाइक्स खड़ी है और यहाँ नजारा है ये। बहुत प्राउडली फील कर रहा हूँ कि हमारा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है ये सीजन में वरीला पास पे आने के लिए। कॉन्कर किया हम लोगों ने वरीला पास, यस फर्स्ट ग्रुप इन दिस सीजन। क्या बात है, व्हाट एन एक्सपीरियंस। बर्फ, ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग, क्या नहीं किया आज हम लोग ने यार। बढ़िया है, बढ़िया। एक 10 मिनट का ब्रेक लिया है, जाना है पैंगोंग। मंजिल अभी थोड़ी दूर है, 40-50 किलोमीटर है। ब्रेक ब्रेक ले लिया है, मच डिजर्व ब्रेक है। थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सब थक गए यार, सब जन थक गए, सबकी हालत दिखा दो आप लोग। चावला पास पे लगेगा वेल डिजर्व ट्रैवलर का स्टिकर। यस, मेरे पीछे जो देख रहे हो है खूबसूरत सा पैंगोंग लेक। क्या बात है, कल रात को बहुत लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग दूसरा रूट लेके आए थे वरीला पास और चांगला पास। इसके लिए हम लोग को पहुंचते पहुंचते ही 9:30 बज गए रात को, तो काफ़ी लेट हो गया था। खाना वाना खाए और सो गए चुपचाप, काफ़ी थक गए थे यार, बर्फ, ऑफ रोडिंग सब कुछ। बट गाइस एक दिक्कत आ गई है, मैंने कल जो भी
गोप्रो पे शूट किया था, मोटो व्लॉगिंग किया था, उसमें का आधा पार्टी आया और जब मेन में आइस पे बाइक चला रहा था, ब्लैक आइस पे, और चांगला पास कवर कर रहा था, वो डेटा पूरा करप्ट हो गया है, वो नहीं आ रहा है। बट ठीक है, बाकी सब ने शूट किया, वो तो आप लोग देख लेंगे मेरे व्लॉग में। क्या करें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये सब कुछ होते रहता है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट ये ऐसे सब कुछ था, बट बहुत बढ़िया था। तो ये व्लॉग यहाँ पे ही खत्म करते हैं, आज से और खूबसूरत सफर शुरू होगा, वो सब कुछ अगले व्लॉग में। विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस।